बजरंग दल हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश भारद्वाज हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इसराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच एक बड़ा बयान दे दिया। हितेश भारद्वाज ने कहा कि कुछ लोग इस देश को खोखला करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में बैठे कुछ नेता गलत बयानबाजी करने पर उतारू है। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है। जो आज की मौजूदा स्थिति है, जो आप इसराइल का घटनाक्रम देख रहे हैं, भारत की कूटनीति, भारत की रणनीति के हिसाब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने इसराइल को समर्थन दिया और देश विरोधी कई राजनेता और कई लोगों का मुद्दा हो, ये लोग जो है इसराइल की विरोधता में भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर में उंगली उठाते नजर आए। इससे ये प्रतीत होता है कि ये लोग जो देश के गद्दार हैं, ये लोग जो है ये देश का भला नहीं चाहते, जो इसराइल का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर में देशद्रोह का केस रासुका लगाकर कि इनको जेलों में बंद किया जाना चाहिए।